हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं आपके लिए एक और हेल्दी इजी डाइजेस्ट होने वाली सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज बनाएंगे पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी। जनरली आप पत्ता गोभी की सब्जी को ऑयल में फ्राई करते हैं और बहुत टेस्टी भी बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्ता गोभी कितनी हेल्दी होती है, कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं? पत्ता गोभी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन के का। पत्ता गोभी आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, ये आपके हार्ट को हेल्दी रखती है, हाई ब्लड प्रेशर को लो करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स आपको तो मिलते नहीं, क्योंकि आप पत्ता गोभी को तेल में फ्राई करके इसके सारे बेनिफिट्स को ख़त्म कर देते हैं, और जो आपको बेनिफिट्स मिलने थे इसके बदले आपको नुकसान देके जाती है, और सबसे बड़ी बात डाइजेस्ट होने में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आज सीखेंगे कि पत्ता गोभी को किस तरह बनाएं जिससे ये डाइजेस्ट अच्छे से हो और पत्ता गोभी के सारे बेनिफिट, सारे पोषक तत्व आपको मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लें, इसमें 1.5 चम्मच सरसों के बीज डालें। ड्राई रोस्ट करेंगे इसे। फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है, सब्जी को हल्की आंच पर ही बनाना है। जब सरसों के बीज क्रैक होने लगे तब आप इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अदरक भी हल्का सा रोस्ट हो गया है। अब इसमें डाल दें 2 बड़े आलू मोटे टुकड़ों में कटे हुए, छिलके के समेत ही डालना है। आलू के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आलू को छिलके के समेत क्यों खाना चाहिए, आप मेरी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप मटर डालेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च डाल दें, स्लिट करके डाली है मैंने, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इन्हें पहले मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी को अभी नहीं डालना है। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर कर दें और धीमी आंच पर आलू और मटर को पकने देंगे। सब्जी को चेक कर लेंगे। मैंने एक बार पहले भी सब्जी को चेक कर लिया था। आलू अभी पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हुए हैं और इसमें अभी पानी भी है, तो 5 मिनट के लिए हम ओपन ही से पकाएंगे, तब तक ये ड्राई भी हो जाएगा। आलू और मटर 95% कुक हो गए हैं। अब इसमें बारीक की हुई पत्ता गोभी डालेंगे। मैंने 450 ग्राम पत्ता गोभी को अच्छे से धो के बारीक काट के रखा हुआ था, इसमें डाल दें। और पत्ता गोभी को बस 1% ही पकाना है, जैसे आप स्टर फ्राई करते हैं उसी तरह, इसीलिए आलू मटर गल जाने के बाद ही पत्ता गोभी को डालना है। अगर आपको पत्ता गोभी के सारे बेनिफिट चाहिए तो आपको इसी तरह पत्ता गोभी बनानी चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। पत्ता गोभी मिक्स करते हुए ही ये 1% पक जाएगी। नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मैंने कम ही रखा है। तो बहुत अच्छे से सब्जी मिक्स हो गई है। अब इसमें डाल दें करीब 1/2 कप बारीक कटे हुए टमाटर। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसमें ताज़ा नारियल ग्रेट किया हुआ डाल दें, और इसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। फिर से इसे मिक्स कर लें, और टमाटर और नारियल को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे पकाने से सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, तो ये स्टीम में ही अपने आप पक जाएगी। अब इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे सभी चीज़ें आपस में मिल जाएं। 2 मिनट के बाद ताज़ा हरा धनिया काट के डाल देंगे। मिक्स करके सब्जी को सर्व कर लेंगे। तो
तो आप भी पत्ता गोभी की सब्जी को इस तरह से बनाएं और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।